हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आप लोग हमारे ब्लॉग में आप लोग का स्वागत है, ध्रुव एंड माही ब्लॉग। आजकल मैं ब्लॉग में नहीं आ सक पा रहा हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा हूँ, तो वो माही ब्लॉग शूट कर लेती है अपने। और आज का ब्लॉग है स्पेशल, क्योंकि आज मेरी बहन डिस्चार्ज होके घर आने वाली है हॉस्पिटल से। बस हम लोग उसी की तैयारी में लगे हुए हैं, सुबह से चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बन रहा है। सो गाइस, किचन में आ चुके हैं, जरा देखें क्या बन रहा है स्पेशल। आज सब कोई आ रहा है तो अभी तो हम नाश्ता बना रहे हैं सुबह का। अभी चाय चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे पनीर का सब्जी। देखिए बैक कैमरा से दिखाई। मेरा तो मन कर रहा है खाने का भी। तो गाइस, आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिएगा। और अभी मॉर्निंग हुआ है, अभी 9 बज रहा है। अब हम लोग जाएंगे ब्रेकफास्ट करने और उसके बाद फिर जल्दी जल्दी काम फिनिश करके फिर तैयारी करेंगे दीदी का आने का, क्योंकि आज 8 दिन हो चुका है और आज बाबू हम लोग के घर आ रही है। तो हम लोग बहुत एक्साइटेड है आज, क्योंकि फाइनली 8 दिन के बाद हम लोग सामने से उसे देखेंगे और उसे गोद में भी लेंगे। तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे इसी तरह और देखिए कि कब कितने टाइम पे बाबू घर आती है। अभी हम लोग जल्दी जल्दी काम खत्म कर, मैं तो नहीं रहूंगा, ये लोग रहेगी, ये लोग अपना शूट करेगी और आप लोग को बाबू को दिखलाएगी। गाइस, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे और देखिए कब आती है दीदी, और जैसे आएगी हम लोग आपको जरूर दिखाएंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को ब्रेकफास्ट में, बाय बाय। सो गाइस, 9:30 बज चुके हैं और फाइनली हमारे ब्रेकफास्ट तैयार है, बस आने को देरी है। कितना देर लगेगा माई? हो गया। आप लोग को मैं अपना ब्रेकफास्ट दिखाता हूँ। सो गाइस, आप लोग देख सकते हैं कि कितने स्वादिष्ट पनीर की सब्जी है, टेस्टी पराठा, चाय, नमकीन, बिस्किट्स। गाइस, हम लोग चाय ग्लास में ही पीते क्योंकि मेरा मन नहीं भरता। और ऐसे भी माही बहुत अच्छा खाना भी बनाती है, पूरे परिवार में सब इसको बोले हुए हैं कि खाना बहुत बढ़िया बनाती है और सबको पसंद है। इसके हाथ का पसंद है, हमको भी पसंद है, अच्छा सबको पसंद है। और कभी आप लोग मिलोगे तो जरूर खिलाऊंगा आप लोग को इनके हाथ का खाना। मुझे पर्सनली बहुत पसंद है। बोला जाता है ना कि पति को खुश करना है तो उसको पेट से रास्ता है, ये हमेशा हमको पेट से खुश रहती है। और बताइए आज का ब्रेकफास्ट कैसा बना? आराधा, तुम भी ट्राई करो और बताओ। एक नंबर। अब आराध्या ट्राई करने वाली है। नंबर वन, मतलब कि होटल से भी अच्छा लग रहा है। तो गाइस, आप लोग बने रहिए, अभी मैंने नहा ली हूँ बट अभी जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही जूड़ा बना लिया था क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट भी बनाना था। तो गाइस, आप लोग बने रहिए ब्लॉग पे, हम जल्दी जल्दी काम फिनिश करते हैं और दीदी का आने का वेट करते हैं और थोड़ा कुछ तैयारी भी कर लेते हैं उनके आने का। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से ब्रेकफास्ट के बाद। बाय बाय।
ये अब शॉप के लिए निकल रहे हैं। और गेट खोलने का काम आराध्या का है। और धूप में हमने सारा तकिया रख दिया है और हरी सब्जी जो आई थी अभी मार्केट से वो भी हमने धुल के रख दिया है धूप में। तो चलो। हेलो गाइस, तो दोपहर हो गया है और मैं जा रही हूँ चावल बनाने। और दाल मैंने बना लिया है, आलू बॉयल कर लिया है और सब्जी भी मैंने बना लिया है। बस अब मम्मी लोग आने का वेट कर रहे हैं और थोड़ी जो काम हो गई है मुझे। तो गाइस आप देख सकते हो मैंने रूम पूरा क्लीन कर दिया है। ये दीदी के लिए बेड मैंने क्लीन किया है और ये मम्मी पापा लोग का रूम है। और आप जैसे देख सकते हैं कि एक बजने वाला है, अभी तक आई नहीं है दी, तो हम लोग उसी का वेट कर रहे हैं। तो चलो मिलते हैं आप लोगों से खाना बनाते। अगर खाना बनाते बनाते दीदी लोग आ गई तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। तो चलो गाइस बाय बाय। गाइस फाइनली अभी मम्मी का फ़ोन आया था और वो लोग रास्ते में हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं उनके आने का। तो टाइम हो चुका है, 2 बज गए हैं प्रॉपरली। 10 से 15 मिनट में दीदी लोग आ जाएगी, तो आप लोग बने रहिए ब्लॉग में। बेबी का स्वागत के लिए ये लिखा है, वेलकम बेबी। गाइस हम बाहर आ गए हैं इतनी कड़ी धूप में और वेट कर रहे हैं। और गाइस हमने हर जगह में मतलब कि स्माइली बना दी है इसमें और लिखा है वेलकम बेबी। अच्छा लग रहा है, दो तरफ स्माइली और एक वेलकम। बहुत कड़ा धूप है। तो गाइस मैं देखती हूँ कि आते नहीं। और हम वेट कर रहे हैं। एक्साइटेड हो? तो गाइस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मेरे हाथ में एक मेरी सिस्टर आ रही है। मैं बहुत एक्साइटमेंट है अभी। मैं मम्मी से भी मिलूंगी। खड़े हैं इतने धूप में। हाँ, बहुत कड़ा धूप है। अभी वो लोग पुराना बाजार में ही रुके हुए हैं। ये लोग आ चुके हैं। आप लोग को सोचना चाहिए ना। एक मिनट एक मिनट, पहले मिठाई खिलाएं उसके बाद एंट्री करवाएं। वो तो पापा से मांगो। सुने ना, पहले मिठाई खिलाएं तो उसके बाद एंट्री करवाएं। आइए मम्मी चप्पल खोली और अंदर आई। पहले मम्मी एंट्रिंग करें उसके बाद अभी कोई ना एंट्रिंग करें। अभी कोई एंट्रिंग नहीं। दीजिए बेटी के हाथ में पैसा दीजिए, कुछ करेगी। लक्ष्मी आई है, दीजिए नहीं लक्ष्मी। गाइस शाम हो चुके हैं और मम्मी चाय बना रही हैं। देखिए कितनी सुंदर हो गई हैं। तो गाइस बेबी भी आ चुकी है, बेबी भी है, लेटी हुई है, बेबी अपना लेटी हुई है, उसका अपना जगह है वहाँ पे। ये मेरा वाला ओढ़ी हुई है, ये वाला मैं बचपन का है तो नानी संभाल के रखी थी, इसीलिए एकदम साफ सुथरा रखा। मेरा बचपन का है जी। ने आप बचपन में थे का मतलब थे तभी तो आ गए मतलब बचपन में शादी ना का देख चुके ये हम बोलेंगे। तो गाइस देखिए कितनी क्यूट लग रही है।
अभी आप लोगों को इसका फेस क्लियर नहीं दिखेगा, उस दिन वेट करना पड़ेगा। तो गाइज हम लोग अपने ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं, आप लोगों से मिलेंगे इसकी नए नए एक्टिविटी के साथ। अब पता है गाइस ये ना ऐसे ऐसे एक्टिविटी करती है ना, हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। शाम हो चुका है गाइस, देखें मम्मी भी मेकअप करती है, देखें इन पे फोकस नहीं, फोकस बाबू पे होना चाहिए। तुम बोली सुंदर नहीं लग रही, तुम बोली सुंदर बन जाते भाई। चलो गाइज आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय, बने रहिए। शाम और बज रहे हैं 6:30 और वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मामी अपना ब्लॉग में पीती है तो मुझे थकेल।